पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। पाकिस्तान ने कश्मीर के संबंध में कोई और कदम उठाने के खिलाफ भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत को कश्मीर में अपनी गैर कानूनी और अस्थिर करने वाली कार्रवाई पर फिर से विचार करना चाहिए। शायद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ये भूल गया है, भारत को कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के प्रस्तावों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। पाकिस्तान के रुख पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हकीकत को नहीं बदला जा सकता। सीमा पार आतंकवाद भी अस्वीकार्य है और किसी भी तर्क के जरिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मसला है और पाकिस्तान को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। जाहिद हाफिज चौधरी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक विवादित क्षेत्र के रूप में कश्मीर के विभाजन और वहां की जनसंख्यिकी बदलने के भारत के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक दिन पहले UNSC के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखा था ताकि संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व को इस घटनाक्रमों पर पाकिस्तान की चिंताओं से अवगत कराया जा सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देते हुए बताया था कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत कश्मीर में फिर से अवैध और एक तरफा कदम उठा सकता, फिर से विभाजन और वहां की जनसंख्यिकी बदलने के लिए कुछ कड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि रिपोर्टों में ऐसे संकेत मिले हैं पाकिस्तान इसको लेकर चिंतित है। हाल के दिनों में पाकिस्तान कश्मीर और भारत से रिश्ते बहाल करने के मसले को बार बार उठा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के इन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, भारत कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप पेश करता है तो पाकिस्तान उसके साथ वार्ता को तैयार है। लेकिन PM इमरान खान के इस बयान को भारत में कोई तवज्जो नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।